तो मुस्तफा अली को फिनिशर मारेगा, और मार दिया है मुस्तफा अली को फिनिशर, और ये जे मुस्तफा अली को फिनिशर लग गया है, किक आउट कर रही है मुस्तफा अली, 1 2 भाई वहां मुस्तफा अली की पावर। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं पॉइजन गेमर का दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं, क्योंकि भाई उनकी स्ट्रीम में मुझे इतनी इज्जत मिलती है, इतना प्यार मिलता है। मैं आपको क्या बताऊं कि भाई इंडिया के बहुत सारे लोग स्ट्रीम करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ पॉइजन गेमर्स की स्ट्रीम देखता हूं और किसी की भी नहीं देखता। फेल गेमिंग करता है, गेमर्स रोड करता है, मैं उनकी नहीं देखता। जिस स्ट्रीम में मुझे प्यार मिलता है मैं वही स्ट्रीम देखता हूं, और वो स्ट्रीम है पॉइजन गेमर्स। तो भाई कल की बात है, मेरे ख्याल से स्ट्रीम में मैंने उनको कमेंट करी कि भाई ये नीला लीरा मेरा चैनल क्यों हो गया। तो उसने कहा कि भाई मैंने अपने चैनल को मॉडरेट कर दिया। तो भाई बहुत सारे लोग उस पर सवाल उठा रहे थे कि भाई आपने गेम हर्ट्स को क्यों मॉडरेटर किया। तो भाई उन्होंने कहा कि भाई मैंने उनको मॉडरेटर नहीं कहा, उन लोगों को, इसलिए ताकि उनको ये ना लगे कि भाई मैंने फर्क किया है। तो भाई वहां पर एक बंदे को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया, उसने बोला कि भाई हर्ट्स गेमर को अपने चैनल से निकाल दो। तो आपको पता है पॉइजन गेमर ने क्या कहा। पॉइजन गेमर ने कहा कि भाई मैं हर्ट्स गेमर को नहीं निकालूंगा, आप यहां से निकल जाओ, जो बात मुझे बिल्कुल ही अच्छी लग रही थी। क्योंकि भाई उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप इनकी बातों को इग्नोर करो, आपको पता है कि बहुत सारे चावल होते हैं, उसमें कोई ना कोई चावल का दाना खराब हो जाता है, तो आप इस बंदे को कुछ इस तरीके से ही समझो। तो भाई उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने मेरी बहुत हौसले अफजाई की, और उनकी स्ट्रीम में जो बंदे थे उन्होंने भी मेरी हौसला अफजाई की। तो भाई मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं, और पॉइजन गेमर का अलग से दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं। तो भाई चलिए आज की मैच स्टार्ट कर लेते हैं। आपको पता है कि हेल इन अ सेल में मुस्तफा और ऑस्टिन की मैच होने जा रही है खतरनाक तरीके से, क्योंकि भाई ऑस्टिन ने भंड किया था मुस्तफा और टोमासो की मैच में आकर। तो भाई मैनेजर ने उन दोनों की मैच रख दी। तो भाई बहुत खतरनाक, रियल लाइफ की मैं बात कर रहा हूं। तो भाई रियल लाइफ में तो होने जा रही है, लेकिन हम भी रखेंगे मुस्तफा अली और ऑस्टिन की मैच, पावर चेक एपिसोड 10। तो भाई डिफिकल्टी आपके सामने है, मैंने लेजेंड मोड पे रखी। अब देखते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी मुस्तफा अली में से कौन जीता है। तो भाई ये हमने कर लिया है सेव, अब करते हैं हम प्ले। पहले हम वन ऑन वन उठाते हैं। आपको पता है कि भाई मुझे हमेशा एक्सट्रीम रूल्स पे पसंद आती है, तो भाई रखेंगे एक्सट्रीम रूल्स, रख दिए हमने। अब उठाने जा रहे हैं हम मुस्तफा अली को। कहां है मुस्तफा अली, और ये अपना मुस्तफा अली आ गया है खतरनाक वाला। लेकिन मुस्तफा अली 2022 साल रखेंगे ना भाई, 2020 साल तो रखेंगे नहीं ना, 2022 साल हमने मुस्तफा अली रख दिया है। अब हमारे ऑस्टिन थ्योरी की बारी भाई, कहां है ऑस्टिन थ्योरी, और ये आ गया भाई, ये अपना ऑस्टिन थ्योरी आ गया, बेमान नंबर 2। आपको बताना चाहिए कि बेमान नंबर 1 द मिज और बेमान नंबर 2 ऑस्टिन थ्योरी। तो भाई इसको भी सेलेक्ट करते हैं। अब सेलेक्ट करना करते हैं अरिना, आपको पहले ही पता होना चाहिए भाई हेल इन अ सेल में चुकी। तो भाई हेल इन अ सेल रखेंगे ना, ओ भाई साहब हेल इन अ सेल में जब रियल मैन की मैच होगी तो पता नहीं क्या होगा, वो भी टाइटल मैच भाई। चलिए ये भी हमने रख दिए। अब टाइटल तो हमने रखा ही नहीं भाई, टाइटल रखते हैं ना, टाइटल जो होगा वो WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप ऑस्टिन के पास है। तो ऑस्टिन ने रख दिया अपनी मैच में, इसमें हमारी मैच स्टार्ट हो गई है। तो भाई बहुत इस मैच में मजा आने वाला है, रियल लाइफ में तो ट्रिपल ही मजा आएगा, लेकिन हमारी गेम भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि भाई मैं किसी को भी नहीं चलाने वाला, कंप्यूटर वर्सेस कंप्यूटर। अब भाई पावर चेक करेंगे कि ऑस्टिन में ज्यादा है या फिर मुस्तफा अली में ज्यादा है। आप लोग कमेंट करके बताओगे भाई इन दोनों में सबसे ज्यादा पावर किसकी है। तो हमारी मैच स्टार्ट होगी। तो भाई यहीं पे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको बताया कि मुझे ना बिल्कुल पसंद है, तो भाई इसको कर दें स्किप, इसको भोजा भाई, तो जो हमें बताने की जरूरत नहीं है। और अपना अली आया है, वो भी खतरनाक तरीके से भाई, आजा अली, ये टाइटल क्यों लेकर आया भाई जब हमने ये टाइटल रखा ही नहीं। तो चलिए भाई इसको करते हैं स्किप, क्योंकि इसकी इंटरेस्ट हमने पहले ही देख ली। तो अब देखते हैं ऑस्टिन थ्योरी कैसे आता है खतरनाक टाइटल WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप लेकर। आपको क्या लगता है रियल लाइफ में जब इनकी मैच होगी तो कौन जीतेगा भाई, आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मुझे तो लगता है ना वो ये क्या मतलब यार क्या बताऊं, मुझे क्या लगता है ऑस्टिन जीतेगा मुस्तफा जीतेगा, या देखो मुझे 50-50 लगता है भाई ऑस्टिन जीतेगा या तो फिर मुस्तफा अली जीतेगा, क्योंकि भाई मुझे 50-50 लग रहा है। ये नहीं लग रहा कि भाई ऑस्टिन जीतेगा, कंफर्म पता नहीं है कुछ भी, बस ये पता है कि 50-50, बस 50-50। चलिए भाई अपना ऑस्टिन आ गए, तो इसको भी करते हैं स्किप दिस सीन। अब हमारा खतरनाक तरीके से मैट्रिक्स स्क्रीन पे टाइटल आ जाएगा WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन का। मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूं भाई, बहुत तेज बोल रहा हूं, आपको समझ तो आ रही है मेरी बात। चलिए भाई ये अपना खतरनाक तरीके से टाइटल आ गया यूनाइटेड स्टेट का, इसको भी करते हैं इंट्रोड्यूसिंग। क्यों करा रहा है भाई, जब हम इतने बड़े पाकिस्तान के कमेंटेटर मौजूद हैं तो भाई इसको इंट्रोड्यूसिंग नहीं करना चाहिए ना, नहीं करा ना, बस नहीं करा। और मुस्तफा अली तैयार हो गए हैं यहाँ पर, ऑस्टिन भी तैयार हो गए यहाँ पर, रेफरी ने टाइटल नहीं दिखाया। तो भाई खतरनाक तरीके से हमारी मैच स्टार्ट हो गई है। पहले जो है हमला मुस्तफा अली ने कर दिया, और ये जो ऑस्टिन की मुंडी तोड़ दी, जो बात मुझे बिल्कुल अच्छी लग रही है भाई, ऑस्टिन को भाई मार मार के मुस्तफा अली बेहाल कर दिया। और ये जो है DDT भाई नहीं मार पाया, मुस्तफा अली मिस हो गया है, और ऑस्टिन ने टांग में टांग मारी
भाई लात में लात मारी है और मुसफ अली को उठाया है, मुसफ अली रिवर्सल नहीं कर सका लेकिन फाइनल मुसफ अली रिवर्सल कर दिया और ये जो मुक्के पड़ने चंबे पड़ने भाई मुस्तफा को आ गए गुस्सा और ये भाई सुपर किक मार दिए ऑस्टिन को। मुस्तफा अली बहुत गुस्से में क्योंकि भाई रियल लाइफ में मुस्तफा अली को इतनी और ये पावर भाई पावर शो करा रहे ऑस्टिन को भाई कि तू मेरे सामने कुछ भी नहीं, आप लोग ने देखी ना मुस्तफा अली की पावर भाई, वाह भाई वाह। मुस्तफा रिवर्सल 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 करनी है भाई रिवर्सल, और भाई मैंने जब इसको कहा रिवर्सल करनी है तो मुस्तफा अली रिवर्सल कर दी। अब ऑस्टिन की बैंड बजा रहे भाई, ओह सुकून मिल रहा है सच्ची में ऑस्टिन को मार मिल रहा है। सच्ची बता रहा हूं अगर रियल लाइफ में भी ऐसे ऑस्टिन को मार मिले ना तो सच में दिल ही सुकून मिल जाए क्योंकि मुस्तफा से ये बहुत बेमानी कर रहा है ऑस्टिन, हाथ तोड़ रहा है मुंडी तोड़ रहा है। रियल लाइफ नहीं मैं गेम की बात कर रहा हूं अभी भाई, अभी आप लोग गेम में आ जाओ रियल लाइफ को छोड़ दो भाई। लेकिन ऑस्टिन ने मुस्तफा अली को सुपरलेक्स मार दिया है भाई, मार शुरू हो गई है मुस्तफा अली के ऊपर लेकिन मुस्तफा ने बेस्ता करके बाहर निकाला है और ये जो है पकड़ा बियर और मुंडी रस्से में लगा दी, मतलब ऑस्टिन के दांत तोड़ दिए मुस्तफा अली ने। अब क्या कर रहा है भाई रस्से के ऊपर चढ़ क्या है, नहीं नहीं ये नहीं मारा मुस्तफा अली बेचारे को, नहीं मारना था मुंडी गई चकनाचूर ऑस्टिन को मार के बेहाल कर दिया है भाई। और ये क्या सबमिशन, वाह भाई वाह नीचे कैसे सबमिशन करा रहा है भाई, दर्द महसूस दिला रहा है भाई मुस्तफा अली ऑस्टिन को, दर्द महसूस दिला रहा है कि भाई दर्द क्या चीज होती है आप लोग को सामने है भाई। लेकिन ऑस्टिन ने रिवर्सल कर दिया है और भाई दोनों बैक टू रिंग में आ गए हैं और भाई ऑस्टिन का हमला मुस्तफा अली के ऊपर शुरू हो गया लेकिन मुस्तफा अली ने खतरनाक रिवर्सल करा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ ऑस्टिन की, फिर से मुस्तफा अली को मार पड़ी और अगेन मुस्तफा अली ने रिवर्सल कर दिया। तो भाई मुस्तफा अली के पास आ गई सिग्नेचर और 100% सिग्नेचर लगा रहे ऑस्टिन को देखते रिवर्सल करते नहीं करते और ये नहीं लगी ऑस्टिन ने रिवर्सल कर दिया है भाई। मुस्तफा अली के सिग्नेचर वेस्ट पे चलिए क्योंकि ये गेम मोड हार्ड पर है और सुपरलेक्स भी मुस्तफा अली को लग गया है, ऑस्टिन के पास फर्नीचर भी आ गए सिग्नेचर भी आ गए तो देखते हैं क्या होता है। और ये जो है इसको पकड़ा है मेरे ख्याल से कॉर्नर में नहीं लगाया रस्से में लगाया और ये जो एक दो में ढेर भाई दो में ही ढेर बस मुस्तफा अली ढेर हो गया है भाई। ऑस्टिन अभी रस्सी के ऊपर चढ़ गए मुझे लगता है कि ये सिग्नेचर मारेंगे, देखते हैं कि सिग्नेचर मार पाते हैं नहीं मार पाते। मुस्तफा अली उठ गए तो भाई बेचारे फिर से नीचे आ गए और मुस्तफा अली ने ऑस्टिन को पकड़ा है और कॉर्नर की जानिब लगाएंगे और कॉर्नर में ही मार दिया है। अब देखते हैं कि क्या होता है, मुस्तफा अली ने ऑस्टिन की बैंड बजा दी है, मार दे रहे हैं आलू मटर खिला रहे हैं और ये जो है इसकी मुंडी भी तोड़ दी है जो बात बिल्कुल अच्छी है मुझे पसंद आ रही है। तो भाई मुस्तफा अली को दौरा आ गया और ये जो है भाई क्या ऊपर चढ़ के मारे रस्से के सिग्नेचर तो है नहीं क्या मारे गए भाई ये ऑस्टिन दूर चले गए तो निशाना मिस हो गया मुस्तफा अली का। ऑस्टिन को दौरा चढ़ाए और ये जो मुस्तफा अली ने ऑस्टिन को उठाया ये जो है सुपलिंग बॉम्ब मार दिया है, वाह भाई वाह 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 ऑस्टिन की सच्ची में बैंड बज रही है यार, कसर से सुकून मिल रहा है यार। ये कौन बेईमान भाई, ओहो क्या नाम है इसका यार, ये रेस्टर मेरा देखा हुआ लेकिन नाम मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन बंदा ये है मुस्तफा अली को मारने आ रहा है। मुस्तफा अली मार मार भाई मुस्तफा अली मार भाई मार भाई मुस्तफा अली इसको निकाल दे बेसा करके भाई। नहीं 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 ये मैच एक्सट्रीम रूल्स है तो भाई कुछ भी नहीं हुआ भाई, मैच बिल्कुल चल रही है भाई, भाग भाई तू निकल जा इधर से भाई निकल जा। जॉनी गर्गानो ये क्या नाम है भाई, गर्गानो जॉनी गर्गानो भाई ये क्या नाम है। जॉनी गर्गानो मुस्तफा को देख रहे हैं और ये जो मुस्तफा अली ने लाते मार दिए जोर करने के और ये जो डीडीटी मुस्तफा अली का मिस हो गया भाई। ये बेमान क्यों है भाई, इसको जाना चाहिए ना बाहर, क्यों नहीं जा रहा भाई जॉनी गर्गानो पता नहीं क्या नाम है। और ये जो है आरकेओ मार दिया है फिनिशर अपना मुस्तफा अली को स्टन करके जा रहा है। ये देख रहा था कि मेरे ऑस्टिन को इतनी मार पड़ ली है तो ऑस्टिन की मदद करने को आ गया और मुस्तफ़ा अली को स्टन करके चला गया भाई साहब। मुस्तफ़ा अली उठ गया है भाई, मुस्तफ़ा अली के गुस्से का लेवल हाई पर है और मेरा भी हाई पर है भाई। ऑस्टिन के पास फिनिशर भी मौजूद है तो मुस्तफ़ा अली को फिनिशर मारेगा और मार दिया है मुस्तफ़ा अली को फिनिशर और ये जो मुस्तफ़ा अली को फिनिशर लग गया है, किक आउट कर रही है मुस्तफ़ा अली। 1-2 भाई वहा मुस्तफा अली की पावर यार, मुस्तफा अली ने किक आउट कर दी मतलब कर दी। अब मुस्तफा अली तुझे ये वाली मैच जीतनी है भाई, अब मुस्तफा अली जख्मी शेर है तो आपको पता है जख्मी शेर कितना खतरनाक होता है और मुस्तफा अली डंडा उठाने गए हैं, हाँ डंडा उठाने गए और ऑस्टिन अपनी पावर दिखा रहे हैं लोगों को और मुस्तफा अली ने डंडा उठा लिया और ये जो है मार रहे थे लेकिन ऑस्टिन ने मारने नहीं दिया। ऑस्टिन के पास अभी तक ना फिनिशर है ना सिग्नेचर है, पता नहीं उल्टे उल्टे मूव मार रहे हैं मुस्तफा अली को और क्या कर रहे हैं भाई क्या कर रहा है क्या कर रहा है। और रस्सी के ऊपर चढ़ गया है और मुस्तफा अली को उठाएगा लेकिन मुस्तफा तुझे रिवर्सल करनी है, रिवर्सल 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 रिवर्सल
बंद। हाँ भाई कर दिया, जब भी मुस्तफा अली को पढ़ो और नीचे किसे चला गया भाई, दोरे ऑस्टिन को, दोरे पड़ गए भाई, ऑस्टिन को दोरे पड़ गए और दोरे इसके काम आ गए और मुस्तफा अली को उठा कर मारेगा भाई। ये क्या रे, क्या रिंग में मार दिया भाई। मुस्तफा अली के पास सिग्नेचर भी है, फिनिशर भी है, तो भाई इसको ऑस्टिन को मारना चाहिए ना। ऑस्टिन को आ गया गुस्सा, मुस्तफा अली की टांग भी तोड़ दी है और अगेन टांग तोड़ दिए भाई साहब। ओ भाई तीसरी बार मुस्तफा अली की टांग तोड़ दी, मुस्तफा अली को मार के बेहाल कर दिया और वापसी रिंग के अंदर आ गए हैं। हथौड़ा भी उठा लिया है भाई, क्यों कचरा कर रहे हो, रिंग में जाओ ना, रिंग में जाओ मुस्तफा अली, रिंग में जाओ। मुस्तफा अली कंधे के ऊपर चढ़ के इसको मार दिया, तो भाई आप जाना है मुस्तफा तुझे रिंग के अंदर। लेकिन मुस्तफा अली अपना बदला निकालेंगे, ऑस्टिन ने कर दिया रिवर्सल, बदला नहीं निकाल पाए। अब ऑस्टिन मार रहे हैं मुस्तफा अली को, जो बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, और पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। और ये जब मुस्तफा अली ने ऑस्टिन को मार दिया है, हाथ भी तोड़ने, तो भाई रिंग के अंदर जाओ मुस्तफा अली, यहीं पे इसको फिर अपना फिनिशर मार रहे हो भाई। ये यहाँ पे कैसे मार रहे भाई, और ये क्या भाई, ये कौन सा मुस्तफा अली का फिनिशर था भाई, ये शायद रिंग के नीचे वाला फिनिशर था भाई। स्टन कर दिया, तो भाई रिंग के अंदर लेके जाओ अगेन। ये क्या भाई, बैंड बजा दिए ऑस्टिन की, सच्ची में मतलब यार अपनी आग पूरी तरह से निकाल दी। तो भाई मुस्तफा अली तुझे रिंग के अंदर जाना चाहिए, तो रिंग के अंदर जाना भाई, रिंग के अंदर जा, कचरा नहीं कर मेरी जान, कचरा नहीं कर, रिंग के अंदर जा भाई। लेजेंड मोड कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। फाइनली मुस्तफा अली को ऑस्टिन ने अंदर रिंग के कर दिया, तो ऑस्टिन के पास सिग्नेचर है, नहीं मारी सिग्नेचर फाइनली नहीं मारी। और मुस्तफा अली को कॉर्नर में मार दिया है, और ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये जो है मुंडी तोड़ दिए मुस्तफा अली को, सिग्नेचर भी मार दी, तो भाई फिनिशर भी मार रहे मुस्तफा। देख तुझे कसम में, तुझे रिवर्सल कर दिया भाई। जब भी मैं मुस्तफा अली को कह रहा हूँ ना रिवर्सल कर, तो भाई मुस्तफा अली रिवर्सल कर रहे हैं भाई, देखे ना मेरा कहना कितना खतरनाक है। तो भाई मुस्तफा के पास भी फिनिशर आने वाले, ऑस्टिन थ्योरी का फिनिशर। अगर ये वाला फिनिशर मुस्तफा अली को लग जाता ना, तो मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ मुस्तफा अली की हवा टाइट थी। और यहाँ पे मुस्तफा अली स्टंट हो गए, तो भाई अब मुस्तफा अली को मार खाने से कोई भी नहीं बचाता। जब तक ये स्टंट खत्म नहीं होगा ना, मुस्तफा अली को मार ऑस्टिन देते ही जाएंगे भाई। और रस्से के ऊपर चढ़ गए भाई, क्यों चढ़ा है, मार दिया है मुस्तफा अली को। मुस्तफा अली भाई पूरी तरह से सूझ गए हैं, पिन नहीं कराना है। किक आउट करनी है, 1, 2। ओ भाई ये कैसे जीता, अनबिलीवेबल। नो भाई, मैं यकीन नहीं कर सकता ऐसी मैच में भाई, ना फिनिशर तो मारता, ना सिग्नेचर तो मारता, ना मतलब ये कैसे जीता है भाई, ये नहीं जीतना चाहिए था, मतलब यार मतलब क्या मतलब ऐसे कैसे जीता है भाई, ऐसे कैसे जीता है, क्यों जीता, नहीं जीतना चाहिए था, नहीं जीता भाई, ऐसे नहीं जीता भाई। जो जख्म दिया मुस्तफा ने दिया, अच्छी खासी मैच हार कर, जो जख्म दिया फूलों ने दिया, कांटों से शिकायत कौन करे। यार ऑस्टिन थ्योरी ने ये वाला टाइटल जीत दिया, जो बहुत दुख से मुझे कहना पड़ रहा है, ये नहीं होना चाहिए था ऑस्टिन मेरी जान, ये नहीं होना चाहिए था, तुझे हारनी थी वाली मैच। तो दोस्तों वीडियो बहुत अच्छी हुई, आप लोगों ने घबराना नहीं है, ये मैच हार जीत का हिस्सा है, वो होता रहता है भाई, इतना दुखी आप लोग भी ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे जो मेरे नए हैं तो दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।